जाइए, शांत हो जाइए। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को ज्योग्राफी, नहीं टेंथ के ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। शायद मालूम है आप लोगों को कि टेंथ का जो बोर्ड एग्जाम होता है इसमें इससे कितना अंक का पूछता है, इससे टोटल 31 अंक का पूछता है, नहीं अर्थात इस बुक से 31 अंक का पूछता है। इसमें क्या क्या पूछता है बताया भी थे आपको कि 25 अंक का क्या पूछता है बुक से, और किसी बुक में आपदा जुड़ा हुआ है 6 अंक का उससे पूछता है। अब बुक से जो पूछता है तो उसमें दो पार्ट कर दिया जाता है, प्रैक्टिकल भी होता है। 20 अंक का तो लिखित परीक्षा हो गया, 5 अंक का प्रैक्टिकल हो गया, 6 अंक का आपदा हो गया। इसमें तो कितना 31 अंक का इससे पूछता है। और इसकी शुरुआत करते हैं तो इस बुक पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहले लिखने के लिए सीखना है आपको, बहुत सारे लोग हैं, आपदा का मतलब होती है वैसी दुर्घटना, वैसी घटनाएं जिसकी पहले से कोई सूचना नहीं रहती, और वो जब उपस्थित होती है तो उसे बहुत सारे क्षति होती है, उसी घटना को क्या कहते हैं। जैसे अभी आप जा रहे हैं साइकिल से और आपके साइकिल को बचाने के कारण से बस वाला ने कट मारा और बस पलट गया तो बहुत सारे लोग मर गया, तो क्या हो गया मतलब बाढ़, सुखाड़, सुनामी, रोड एक्सीडेंट, आग लगी, ये सब क्या हो गया। इसी के संबंध में इसमें 6 अंक का प्रयोग है, कौन आपदा कैसे रोका जाएगा, कैसे आते हैं, कैसे नियंत्रण किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में बताया जाए। जीवन के दृष्टि से ये आपदा चक्र आपको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्ञान देगा उससे। आ जाइए, मैं बात कर रहा था आप लोगों को भूगोल। सबसे पहले तो लिखने के लिए सीखना है आप लोगों को भूगोल। दुर्गु का देना है क्या, दुर्गु का वो का लो, हाँ इसमें एक ही है नहीं, कभी कभी तो ये कोई कोई हर्षु का दे देता है, इसमें दुर्गु दे देता है। तो पहले सबसे पहले लिखने के लिए सीख लीजिए क्या, फिर इंग्लिश में तो सभी लोग जाते हैं आप लोग, खूब जानते हैं इंग्लिश में, फिर भी नाम तो आप तो खूब जानते हैं ना, ज्योग्राफी है। आप आ जाइए, शुरुआत करते हैं इसकी परिचय पाठ से, छोटा सा परिचय देंगे हम ज्योग्राफी का। मेरे भाई ये शब्द मैं थोड़ा सा शब्द पर जाता हूँ, ये हिंदी शब्द है ना, ये हिंदी शब्द है कि नहीं है, और ये अंग्रेजी शब्द है ना, ये अंग्रेजी शब्द है। मैं इन्हीं शब्द के आधार से ही इसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ। ये इनसे बना है, कौन से, ये इनसे बना है। इसका हिंदी रूपांतरण है भूगोल, ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है, इसी का हिंदी रूपांतरण है भूगोल। लेकिन ये इंग्लिश शब्द ज्योग्राफी है ना, ये दो शब्द के मेल से बना है, ये जो बना है वो दो शब्द के मेल से बना है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। एक जियो और दूसरा ग्राफी, और मेरे भाई ये दोनों शब्द जो है, ये दोनों शब्द को जोड़ के बना है ज्योग्राफी। ये दोनों शब्द जो है ये यूनान का शब्द है, ये दोनों शब्द कहाँ के हैं, यूनान का, यूनानी शब्द, यूनानी शब्द, राइट। अब दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग जो है तो यूनान में दोनों अलग अलग का क्या मीनिंग है वो बताने जा रहे हैं। मेरे भाई ये जो जियो है ना, इसका वहां पर होता है गोल, गोल अर्थात कोई चीज जो गोल है उसके सामने, और गोल कहने का तात्पर्य यहां किसके लिए गोल कहा था, अर्थात अर्थ, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में क्या अर्थ कह सकते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं गोल कह सकते हैं, या पृथ्वी कह सकते हैं, नहीं तो जो कहिएगा वो तो पृथ्वी कर देते हैं, इसको हम कर सकते हैं पृथ्वी, मतलब इस शब्द का जो प्रयोग हुआ था किस दृष्टि से हुआ था, पृथ्वी। ग्राफी, ग्राफी का इंग्लिश होता है डिस्क्रिप्शन, अर्थात यूनानी भाषा में ग्राफी, अंग्रेजी भाषा में डिस्क्रिप्शन, और हिंदी में आ जाता है उसका वर्णन। सुने होंगे वर्णन का इंग्लिश क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, नहीं अर्थात इसका क्या हो गया वर्णन। अगर शब्द की दृष्टि से देखें
तो भूगोल क्या हो गया? पृथ्वी के वर्णन करने वाला विषय, अर्थात वह विषय जिसके अंतर्गत या जो पृथ्वी के संबंध में वर्णन करती है, पृथ्वी के संबंध में हमें जानकारी देती है, पृथ्वी के संबंध में हमें बताती है, पृथ्वी के संबंध में हमें अध्ययन कराती है, वही विषय क्या है? भूगोल है। शब्द के आधार से तो इसका यही होगी। अब आते हैं कि क्या है ये जो शब्द के आधार से बताए ज्योग्राफी का मीनिंग में, क्या वही मीनिंग है ज्योग्राफी का? क्या वो फिक्स है? नहीं मेरे भाई, कोई भी चीज का शुरुआती जो नाम होता है भले ही बहुत सोच समझ के रखा जाता है, बहुत मीनिंग होता है, लेकिन समय के साथ उसमें कुछ गुण जुड़ते जाते हैं, नहीं? लेकिन सब विषय में जुड़ा है, सब व्यक्ति में भी जुड़ता, नहीं जुड़ता है व्यक्ति में? छठियारी के रात जो नाम होता है उसके बाद भी इधर कुछ ना गुण जुड़ता, नहीं? तो इसमें भी जुड़ा है, लेकिन इसमें ज्यादा जुड़ा है, इसमें काफी ज्यादा जुड़ा है, इसलिए ज्योग्राफी को परिवर्तनशील विषय भी कहा जाता है। अर्थात इसका परिभाषा देना, इसका अध्ययन क्षेत्र बताना शायद कभी सत नहीं हो सकता, गलती हो जाती है, क्योंकि परिवर्तनशील विषय है, समय के साथ इसके विषय क्षेत्र में बदलाव होता है, इसका परिभाषा बदल जाता है। तो ये परिवर्तनशील विषय है, और आज प्रेजेंट टाइम में ज्योग्राफी को क्या कहा जाता है वो सुन लीजिए। प्रारंभ में तो शब्द के अनुसार से परिभाषा इसका दिया जाता था कि भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के संबंध में वर्णन किया जाता है, पृथ्वी के संबंध में अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाता है। लेकिन आज क्या हो गया सुनिए, आज कह रहा है कि भूगोल वह विषय है, वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के साथ साथ आकाशीय पिंडों, धरती के अंदर पाए जाने वाले आवश्यक वस्तुओं एवं मानव के विकास से संबंधित अन्य गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए पृथ्वी का भी अध्ययन किया जाता है, इसमें पर्यावरण का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, इसमें चांद तारा का भी अध्ययन किया जाता है, ग्रह उपग्रह का भी अध्ययन किया जाता है, धरती के अंदर जो खनिज है उसका भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात आज भूगोल एक विशाल विषय बन चुका है जिसका अगर हम कल्पना भी करते तो लगता है कम नहीं होगा। इसके अंतर्गत इतने विषय समाहित हो चुके हैं। वैसे मैं एक चीज और बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, ज्योग्राफी को सभी विषय का जननी भी बोला जाता है, माता बोला जाता है, सभी विषयों का जननी भी बोला जाता है। और जितना भी विषय है, चाहे इतिहास लीजिए, फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, बायो लीजिए, जो भी विषय है, सबों के साथ इसका गुणमिल है, सबों के साथ इसका अध्ययन होता है। अगर बढ़िया से देखिएगा तो सबके साथ अध्ययन, इसके बिना, इसका अध्ययन किसी विषय के बिना संभव नहीं है, इसके बिना किसी अन्य विषय का अध्ययन संभव संभव नहीं है। अर्थात ये सब में है कौन? लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज भी मेरे देश में इस विषय के अध्ययन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे महाविद्यालय में इस विषय का अध्ययन नहीं है। आज अपने BSS कॉलेज जो सुपौल में बहुत ही नामी कॉलेज है, वहाँ पर भी इस विषय का अध्ययन नहीं होता। बस एक कुछ क्षण था जो 1998-99 की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी आया था यहाँ पर, विषय शुरू हुआ था, मैं BSS कॉलेज के छात्र हूँ, मैं इस कॉलेज में ज्योग्राफी अध्ययन किया हूँ, लेकिन उसी बार गायब हो गया, मेरे साथी गायब हो गया, ठीक। तो और सबसे बड़ी बात है कि इस विषय में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे पहलू का अध्ययन किया जाता है जो काफी इंटरेस्टेड है, सबों को उसकी जानने की तलाश है, सबों को जानने की जिज्ञासा है। जैसे इसमें क्या पढ़िएगा कि वर्षा कैसे होती है, तो सबको जानने की इच्छा नहीं, वर्षा कैसे होती है, मतलब जिज्ञासु वाला इंटरेस्टेड सारे पॉइंट है। और हमको लगता है कि कुछ ही दिन में इस विषय का विकास जिस रफ्तार से हो रहा है, बहुत रफ्तार से हो रहा है, ठीक। आज भी देख लीजिए, 10वां भी देख लीजिए, आंशिक रूप से आपका इसको प्राथमिकता दिया है, सब विषय से ज्यादा हमको पूछ रहा है। अगर दशा में देखा जाए तो ये विषय सबसे मोटी भी है कि नहीं, अर्थात प्राथमिकता देना शुरू कर दिया गया है, चूंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो समझ में आ गया नहीं? और मेरे भाई सबसे इंटरेस्टेड बात लास्ट में बता रहा हूँ, सबसे इंटरेस्टेड बात कि ज्योग्राफी एक ऐसे विषय है जो जो अगर समझ गए तो उसको याद त्याग करने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल साइंस है। हाँ, अगर छूट गया तो दिक्कत होगी,
इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उधर जो विषय चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत अगर मिस किए होंगे आप, तो वो मिस को इसमें मत दोहराइएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप अपसेट होते हैं तो बहुत दिखते होंगे। अगर प्रेजेंट रहते हैं तो बहुत आसान विषय लगेगा, बहुत हल्का विषय लगेगा। तब सुन कर आपने इतना जान लीजिए। अब सुन लीजिए कि इसका जो कुछ जनक तनक के विषय में बात कर रहे हैं, ये जो ज्योग्राफी शब्द है ना, ये ज्योग्राफी शब्द, ये ज्योग्राफी शब्द का जनक, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था इरेटोस्थेनिस, इरेटोस्थेनिस, इरेटोस्थेनिस ने सबसे पहले प्रयोग किया था, इरेटोस्थेनिस। ये मेरे भाई सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। इसलिए कहीं कहीं पर आप निकल देखेगा ज्योग्राफी का पिता इसको भी कहा जाता है, क्या इरेटोस्थेनिस को भी कहा जाता है, लेकिन इसके पिता हेकेटियस को, हेकेटियस को, हेकेटियस को माना जाता है इसके पिता को। और इसके दो पार्ट है, किसका ज्योग्राफी का दो पार्ट है, एक पार्ट है प्राकृतिक ज्योग्राफी और दूसरा मानव, मानव भूगोल या मानव ज्योग्राफी भी कहा जाता है, प्राकृतिक ज्योग्राफी और मानव ज्योग्राफी। और प्राकृतिक भूगोल किसको कहते हैं, जिस भूगोल में, जिस भूगोल में प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक चीजों का, प्राकृतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, पर्वत, पठार, हवा, नदी, मिट्टी, ये सब क्या पौधा क्या होता है, प्रकृति वाला चीज का अध्ययन किया जाता है। इधर जो मानव भूगोल है उसमें मानव के गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, मानव में मानव गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव घर कैसे बनाएगा, मानव फैक्ट्री कैसे करेगा, मानव का विकास कैसे होगा, मानव का रोजगार क्या है, मानव कैसे विकास करेंगे, मानव क्या सोचते हैं, नहीं सोचते, इस टोटल अध्ययन किसके अंदर, मानव विज्ञान। तो इसके में भी दो भूमिका जी हो जाते हैं, इसके मतलब दो गो लेखक हो जाते हैं। जैसे प्राकृतिक भूगोल जो है उसका जनक हो जाता है हम्बोल्ट साहब, ठीक है। इधर है मानव भूगोल, मानव भूगोल का होता है रेट जेल। थोड़ा नाम तो मेरे भाई दूसरा देश का है, तो नाम तो थोड़ा सा सुनने में पटांग लगने के लिए। यही है मेरे भाई ज्योग्राफी का छोटा सा परिचय। अगर नोट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस सब चीज़ जो जो मैंने बोला, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर आपके बुक पर हम जाएंगे। नहीं, क्या लिखेंगे, भूगोल का परिचय, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, भूगोल का परिचय। भाई कल चलेगा इस पर, ठीक है, कल हम लोग फिर से चलिए। तो आज की पढ़ाई को यहीं पर विराम देते हैं।